सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे आने वाले न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही ये कोई भी म्यूज़िक पे ये रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसके माइक के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूज़िक अगर आप प्ले करते हो तो कुछ इसी प्रकार का ये लाइट जो है म्यूज़िक के हिसाब से ब्लिंक होगा। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार का साउंड रिसीवर या साउंड सेंसर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत बेहतरीन साउंड रिसीवर किस प्रकार से काम करता है और उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रांजिस्टर BC547, 1K रजिस्टर, एक LED लाइट और एक कंडेंसर माइक। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। माइक के माइनस पॉइंट को हम ट्रांजिस्टर की ई मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और इसके प्लस पॉइंट को हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हंड्रेड के रेजिस्टर को भी हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एलईडी लाइट के माइनस पॉइंट को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एलईडी के प्लस पॉइंट को हम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें पॉजिटिव के लिए एक वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब हम नेगेटिव कनेक्शन के लिए ट्रांजिस्टर के ई मीटर के साथ एक वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया अब रेडी। तो चलिए हम इसे फटाफट चेक करके देखते हैं। इसमें 9 वोल्ट की हम सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद हम इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नया आए तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।